Now, naturally, politics brewing around this case while the probe is still underway to know who exactly is behind this gruesome murder of the two innocent kids. Politics has erupted. Samajwadi Party accuses the BJP of trying to win elections by instigating riots, carrying out such incidents and fostering communal tensions. Samajwadi Party has alleged that the BJP is weaponizing religious disputes and supporting hooligans and troublemakers in Uttar Pradesh. In fact, the Congress Party has sharply criticized the Yogi government, labeling the situation as Jungle Raj, demanding the government's resignation at the earliest. The BJP has expressed shock over Badayun incident, criticizing the SP party for politicizing the matter. Yogi Adityanath government reiterating its commitment to taking strict action against the perpetrators in this case. सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है, लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता। बदायूं लोकसभा सीट से प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं बदायूं की घटना को लेकर। शिवपाल जी, बदायूं में दो बच्चों की नृशंस तरीके से जो हत्या कर दी गई, दोनों बच्चों को जो है उस तरह से जो हमला करके जो है मौत के घाट उतार दिया गया, किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को जो है आप? बहुत ही दुखित, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। तो ये देखिए, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। किस तरह ये पूरा जो घटना पूरा प्रकरण हुआ उसको लेकर के किस तरह से जो आप देखते हैं कि क्या ये एक जो कोई माहौल खराब करने की? देखिए, ये सरकार का जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। नेताजी, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर के ध्वस्त होने की बात है तो कहीं ना कहीं बदायूं पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 3 घंटे के अंदर उस जो आरोपी था साजिद, उसको जो है एनकाउंटर में मार गिराया है, इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से देखिए? जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन है इसको हम बधाई देते हैं, लेकिन पर्दाफाश भी तो होना चाहिए था। क्यों घटना ऐसी हुई है? पर्दाफाश होना चाहिए था। एक तो फरार है, एक एनकाउंटर हो गया है, एक फरार है, तो पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन जिस हत्या जिस तरीके की जा रही है, क्या ये सही है एनकाउंटर को जिस तरीके से देखते हैं आप? असर की गई है सर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है।